keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place, a place where you'll make a just be alone. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back on my channel. My name is Nilofer and you're watching Nilofer's vlog. तो आज मेरी किचन में मैं बनाने वाली हूँ करेले की सब्जी, और जिसको बिटरगार्ड बोलते हैं. और आई थिंक ये सब्जी बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आती है, बहुत से लोग इसको खाना पसंद नहीं करते हैं, इवन बच्चे तो इसको खाना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है, कसैला होता है. बट आपको इसके बेनिफिट शायद नहीं पता होंगे. करेले के बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं. ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है और हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए भी बहुत अच्छा है. हमारा शुगर को मेंटेन रखता है, इसलिए डायबिटीज़ वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है. तो आज मैं आपको एक बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी दे रही हूँ जिससे आप करेले की सब्जी को बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना सकते हो और बच्चे भी इसको खाना पसंद करेंगे. तो चलिए देख लेते हैं इन्ग्रीडियंट. तो मैंने लिए हैं 3 बड़े प्याज, इनको कट कर लिया है. एक छोटे पोटैटो को मैंने कट किया है छोटे स्मॉल से पीसेस में. और 3 करेले लिए हैं मैंने, जिनको मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है. उसके साथ मसालों में मैं सिर्फ रेड चिली लूँगी और लूँगी हल्दी पाउडर. तो बस और सॉल्ट चाहिए हमें. बस इतनी से इंग्रेडिएंट से ही हम ये बहुत ही अच्छी वेजिटेबल बनाएंगे और जिसे बच्चे भी पसंद करेंगे और आप इसको पूरी और पराठे से खा सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बिटरगार्ड में डालती हूँ सॉल्ट. इसे हमें थोड़ी देर के लिए रखना होगा सॉल्ट में डाल के, जिससे इसका कड़वापन जो है वो कुछ हद तक कम हो जाए या निकल जाए. तो इस तरह से हम इसको लगा के रखेंगे 15 मिनट्स के लिए. और आफ्टर 15 मिनट्स बाद हमें इसको वॉश करना होगा साफ़ पानी से. मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली भी कट कर ली है. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रेड चिली डालना चाहते हो या ग्रीन चिली. मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल सकते हो. अब देखिए 15 मिनट्स बाद मैंने इसको साफ़ पानी से धो लिया है अच्छे से हाथों से मसल के, और इसका जो नमक का पानी है वो मैं निकाल दे रही हूँ. अब मैंने पैन रख दिया है गैस पे और मीडियम फ्लेम रखी है. मीडियम फ्लेम पे और सिम पे ही हमें इसे बनाना है. तो फ्रेंड्स, अभी मैं वेजिटेबल को बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल. आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, और मैं बेसिकली मस्टर्ड ऑयल ही प्रेफर करती हूँ. और कभी कभी हम जो ऑलिव ऑयल है वो भी यूज़ करते हैं. तो इन दोनों तेल से ही, ऑयल से ही हम खाना बनाते हैं, रिफाइंड ऑयल हम यूज़ नहीं करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं उसमें पोटैटो डालूँगी और पोटैटोस को मैं गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करूँगी, जिस थोड़े से क्रिस्पी हो जाए. और इसके साथ ही मैं बिटरगार्ड को भी फ्राई करूँगी. पहले मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद हम इसमें करेले डाल देंगे. देखिए ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और ऑयल मैंने उतना ही लिया है जितने में हम अपनी पूरी सब्ज़ी को बनाएंगे. बहुत ज़्यादा नहीं लिया है और ना ही बहुत कम लेना है. मैंने 2 बड़े स्पून लिए हैं इसमें ऑयल के. देखिए ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और हमने सबसे पहले पोटैटो को इसलिए डाला है कि वो अच्छे से गल जाए और थोड़ा सा क्रिस्पी से हो जाए. अब इसमें हम डालेंगे, देखिए हमने वॉश कर लिया है करेला, और ये बहुत ही ग्रीन ग्रीन सा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मुझे करेले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है. और ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छी है. बिल्कुल कम कैलोरीज होती हैं इसमें. तो अगर कोई वेट लॉस के लिए कोई प्लान ले रहा हो तो उसमें भी आप ये वेज बना सकते हो. इसमें पोटैटो आप ना यूज़ करो, इट्स ऑप्शनल. और उसको आप ग्रीन, अपनी जो चने की रोटी है, मल्टी ग्रेन रोटी है, उसके साथ खाओगे तो विद इन अ मंथ आप अपने 5 kg तक वेट लॉस कर सकते हो, लूज़ कर सकते हो. और ये ऐसा मैंने भी किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ऐसा. तो मल्टीग्रेन रोटी की भी रेसिपी मैं जल्दी आपको देने वाली हूँ, तो उसमें वो ग्लूटेन फ्री होती है जिससे आपका वेट नहीं बढ़ता. तो देखिए अब हमारे ये जो करेला और आलू हैं वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं. फ्रेंड्स, करेला और आलू अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हो. इसमें हमें इनको अच्छे से फ्राई करना है, क्रंची करना है इनको. देन हमें इन्हें बाहर निकाल लूँगी मैं इनको. ये देखिए अच्छे से फ्राई हो रहे हैं.
इसमें आपका 5 to 7 मिनट लग जाएंगे फ्राई होने में। करेला थोड़ा सा टाइम लेता है अच्छे से फ्राई होने में, तो हमें इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा करना है, बहुत ज़्यादा भी गोल्डन नहीं कर देना है, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो, थोड़ा सा क्रंच आ जाए तो हमें इसे बाहर निकाल लेना है। देखिए मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ, आपको एक अलग बर्तन में इसको रख लेना है निकाल के, उसके बाद हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये जो रेस्ट ऑफ ऑयल बचा है हम इसमें ही अपने वेज को बनाएंगे। तो ये देखिए सब्जी, और ये हमने करेला फ्राई करके बाहर निकाल लिया है और इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। ऑयल गरम है तो अब इस ऑयल में हम डालेंगे अपना प्याज, जो हमने कट करके अनियन रखे हुए थे, 3 बड़े अनियन जो मैंने रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे, और अनियन को भी हम गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए सारा अनियन मैंने डाल दिया है और अब इसमें हम फ्राई कर रहे हैं। अब जब भी आप अनियन फ्राई करो तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दो, जिससे कि वो जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और ये मेरा आज का टिप था। और इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज, मैंने ग्रीन चिलीज साथ में ही फ्राई कर ली है प्याज के। और जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी, देखिए गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तब हम इसमें हमारे जो हमने फ्राइड करे हुए पोटैटोज़ और बिटरगार्ड रखे थे मैंने उसको ऐड कर दिया है। अब हम इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही सॉटे करेंगे, देन इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है प्याज को और हमारी वेजिटेबल्स को, और अच्छे से सॉटे करते रहना है। और हमें अभी अपना जो मेंस गैस का जो फ्लेम है उसको कम ही रखना है, मेंस सिम पे रखना है। ये देखिए मैंने, अगर आप सिम पे नहीं रखोगे तो सब्ज़ी जलने लगेगी, इसलिए आप इसको बिल्कुल लो हीट पे रखिए। मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। मैंने रेड चिली पाउडर 1 स्पून डाला, हाफ स्पून डाला है, हाफ टेबल स्पून। अगर आप आपके अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। और ये मैंने इसमें सॉल्ट, सॉल्ट का ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने करेले को सॉल्ट में ही भिगोया था, तो मे भी करेले के अंदर अच्छा खासा सॉल्ट है, तो आप सॉल्ट कम ही डालिएगा और आप उसको चेक कर सकते हो थोड़ा सा, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप सॉल्ट डाल सकते हो। अब देखिए हमें इसको सॉटे करते रहना है, इसमें हमें वाटर नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, हम इसको 2-3 हाथ चला लेंगे और उसके बाद हमें इसको ढक के स्टीम में बनाना है। मीन्स जो हमारा बिटर गार्ड है वो और अच्छे से गल जाए, इसके लिए हम इस पर इसका कवर कर देंगे, इसके लिड को लगा देंगे, और उसके बाद इसको स्टीम पे बिल्कुल लो सिम पे हमें इसको 5 मिनट्स तक पकाना है। आफ्टर 5 मिनट्स देखिए वेज का कलर काफ़ी अच्छा हो गया है, हमारी सब्ज़ी का कलर काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। और अभी इसको 5 मिनट्स के लिए हम और रखेंगे, जिससे हमारी जो करेला है वो और अच्छे से गल जाए और तेल जो है वो अलग आ जाए। तो इस तरह से देखिए मैं इसको सॉटे कर रही हूँ और बस इसको चलाते रहना है, और अभी हम इसको फिर ढक के रख देंगे 5 मिनट्स के लिए। अब हम आफ्टर 5 मिनट्स देखेंगे कि सब्जी पक चुकी है या नहीं। आफ्टर 5 मिनट्स बाद देखिए तेल अलग हो गया है और हमारी वेजिटेबल जो बहुत सारी दिख रही थी अभी थोड़ी सी रह गई है, क्योंकि वो अच्छे से भुन गई है, जिसको हम कहते हैं हमने सॉटे कर लिए। अब इसको और अच्छे से सॉटे करनी है, बिल्कुल भुन जाएगी तब इसका एक अलग सा टेस्ट आएगा और ये बहुत डिलीशियस भी लगेगी, और कच्चापन जो है मसालों का सब्जियों का वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे और विद इन 2 मिनट्स बाद ये पक के तैयार हो जाएगी। बस हमारी वेजिटेबल अब बनने ही वाली है। करेला अच्छे से गल चुका है, इसमें जो पोटैटोस थे वो भी अच्छे से नरम हो गए हैं। तो बस देखिए बस थोड़ी देर तक इसको हमें 5 मिनट तक भूनना है और उसके बाद हमारी वेजिटेबल रेडी हो गई है। ये देखिए आफ्टर कुक होने के बाद ये ऐसी लगेगी, और इसको आप पराठे से, पूरी से, या जिससे चाहें आप सर्व कर सकते हो, और ये खाने में बहुत यम्मी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही नीचे एक बेल बटन होता है उसको क्लिक ज़रूर करें।